आप जानने के बाद हैरान हो जाएंगे। अडाल्स की बावड़ी एक सीढ़ीदार कुआं है जो गुजरात के अडाल्स नामक गांव में है। दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग इस कुएं को देखने आते रहते हैं। वास्तव में यह एक बड़े भवन के रूप में निर्मित है। भारत में इस तरह के कई सीढ़ी नुमा कूप हैं। अडाल्स गांव गांधीनगर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और गांधीनगर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अहमदाबाद से इसकी दूरी 18 किलोमीटर है। यह छोटा सा गांव प्राचीन काल में दांडई देश नाम से जाना जाता था। यह पहली मंजिल पर लगे संगमरमर के पत्थर पर संस्कृत में लिखे आलेख से मालूम होता है कि इसे 1499 में रानी रुदाबाई ने अपने पति की याद में बनवाया था। वो राजा वीर सिंह की पत्नी थी। अनुसार कहा जाता है कि इस कुएं को राजा रणवीर सिंह द्वारा बनवाना प्रारंभ किया गया था, पर जब उनकी सल्तनत पर एक मुस्लिम सुल्तान बेघारा ने हमला किया तो वो उस युद्ध में मारे गए। सुल्तान बेघारा राजा रणवीर सिंह की पत्नी रानी रुदाबाई की सुंदरता पर मोहित हो गया और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रानी ने भी विवाह के लिए उस वाव को नियत समय पर पूरा करने की शर्त रखी, जिसे सुल्तान बेघारा ने नियत समय पर पूरा करवा दिया। सुल्तान बेघारा से विवाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने 5 मंजिला उस कुएं में छलांग लगा अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि रानी रुदाबाई की आत्मा अभी भी उस कुएं में भटकती है। उस बावड़ी के पास ही बावड़ी को बनाने वाले कामगारों की कब्रें हैं, जिनके पीछे कहानी है कि इस बावड़ी के पूरा होते ही सुल्तान बेघारा ने उन कामगारों को मरवा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दोबारा कोई ऐसी बावड़ी बना सके। मानव निर्मित इस अद्भुत कलाकारी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में रखा गया है। तो अब अपने अगले गुजरात की यात्रा में इतिहास के इस कुएं में झांकना ना भूलें, जहां आप एक रानी के अपने पति के प्रति अथाह प्रेम को खुद से अनुभव कर सकेंगे।